बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी नायाब तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपने शायद पहले नहीं देखी होंगी। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। ये पहली तस्वीर है 7 अगस्त 1947 की, पाकिस्तान के बनने से एक हफ्ता पहले की, जब कायदे आजम अपनी बहन फातिमा जिना के हमरा कराची के एयरपोर्ट पर उतरे थे और लोगों ने कायदे आजम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये तस्वीर पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की है, जब पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और बहुत से सरकारी ऑफिसर्स को इन टेंट्स में बैठकर रोजमर्रा के काम करने पड़ते थे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि पाकिस्तान का पहला सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड पाकोला था। पाकोला 14 अगस्त 1950 को पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। ये पाकोला की पहली बोतल की तस्वीर है। पाकोला आज भी मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह पाकिस्तान का पहला 5-स्टार होटल दी मेट्रोपोल था। यह कराची में 1950 में तामीर किया गया था। ये तस्वीर इसी होटल के पोस्टर की है। इस पोस्टर पर आपको फारसी भी लिखी नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि इस होटल का इफ्तिताह शाह ऑफ ईरान ने किया था। दोस्तों, पाकिस्तान के पहले ट्रैफिक सिग्नल्स 1950 की दिहाई में मुतारिफ कराए गए थे। ये ट्रैफिक सिग्नल्स सबसे पहले कराची में लगाए गए थे। ये पोस्टर उन्हीं पहले ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में था। इनको दी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था। कराची में सबसे पहले टेस्ट के तौर पर 16 सिग्नल्स लगाए गए थे। दोस्तों, ये तस्वीर है जब PIA को 1955 में लॉन्च किया गया था। 1955 में ओरिएंट एयरवेज नामी एयरलाइन को PIA में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों, ये तस्वीर इंतहाई तारीखी है। ये डायरी का वो पेज है जिस पर शायर हफीज जालंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना पहली दफा 1952 में लिखा था। हमारे कौमी तराने का म्यूजिक इससे 3 साल पहले ही यानी 1949 में अहमद चावला ने कंपोज किया था। 1954 में इस तराने को पाकिस्तान का ऑफिशियल तराना डिक्लेयर कर दिया गया था। दोस्तों, ये तस्वीर है पाकिस्तान की पहली ब्यूटी क्रीम के इश्तेहार की। इसका नाम तिब्बत स्नो क्रीम था। इसको कोहिनूर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी ने बनाया था। मेरे ख्याल से तिब्बत स्नो क्रीम आज भी मार्केट में अवेलेबल है। और दोस्तों, ये इश्तेहार ब्रायल क्रीम का है जो कि बालों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये इश्तेहार 1955 में लॉन्च हुआ था और इस इश्तेहार में पहली दफा किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को एज अ मॉडल इस्तेमाल किया गया था। तस्वीर में पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर फजल महमूद नजर आ रहे हैं। ये तारीखी तस्वीर दिसंबर 1965 की है, जब प्रेसिडेंट अयूब खान अमेरिका के दौरे पर थे और इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के गाल पर हंसते हुए एक दोस्ताना यानी फ्रेंडली स्लैप मारा था। इससे पहले अयूब खान ने अमेरिका का 1961 में दौरा किया था, जहां सड़कों पर हजारों अमेरिकन्स ने खड़े होकर अयूब खान का इस्तकबाल किया था। दोस्तों, ये पाकिस्तान के पहले पासपोर्ट की तस्वीर है, जिसको 1947 में इशू किया गया था। इस पासपोर्ट पर उर्दू, इंग्लिश और बंगाली जबान लिखी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर दो झंडे बने हुए हैं। एक झंडा वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था और एक झंडा ईस्ट पाकिस्तान को। और दोस्तों, ये तस्वीर है पाकिस्तान के पहले शनाख्ती कार्ड की यानी NIC की। इसको 1973 में इशू किया गया था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का पहला शनाख्ती कार्ड उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को इशू किया गया था। शनाख्ती कार्ड में जुल्फिकार अली भुट्टो का मौजूदा पता प्राइम मिनिस्टर हाउस लिखा हुआ है। दोस्तों, ये तस्वीर है मलका बरतानिया के पाकिस्तान विजिट की। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि क्वीन एलिजाबेथ II ने 1961 में पाकिस्तान का दौरा किया था। ये तस्वीर 1 फरवरी 1961 की है। इनके साथ प्रेसिडेंट अयूब खान भी मौजूद हैं, जो मलका बरतानिया को ओपन रूफ कार में कराची की सड़कों की सैर करवा रहे हैं। एक और तस्वीर में मलका बरतानिया को खैबर पास और फिर सवात में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये तस्वीर है पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म जिंदा लाश की, जो 1967 में रिलीज हुई थी। इसको ख्वाजा सरफराज ने डायरेक्ट किया था। ये वो पहली हॉरर मूवी भी थी जिसको 2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, ये तारीखी तस्वीर दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली की है। मोहम्मद अली ने पाकिस्तान का 2 दफा दौरा किया था, 1988 और 1989 में। ये तस्वीर 1988 की है, जब पाकिस्तान के मेगा मूवी स्टार सुल्तान राही मोहम्मद अली को मजाक में पंच मार रहे हैं। दोस्तों, ये तारीखी तस्वीर 1965 की है, जब कायदे आजम के मजार को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। कायदे आजम के मजार को
1970 के आसपास मुकम्मल कर लिया गया था। आज दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग्स में पाकिस्तान की बिल्डिंग्स का शुमार कहीं नहीं होता, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये तस्वीर 1963 की है, जब कराची में हबीब बैंक प्लाजा की कंस्ट्रक्शन जारी थी। ये इमारत 1992 तक साउथ एशिया की सबसे ऊंची इमारत थी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1961 में कराची की हैसियत दुनिया में वैसी ही थी जैसे आज दुबई की है। कराची दुनिया के मॉडर्न सिटीज में से एक होता था। कराची में अरब शहजादे छुट्टियां गुजारने के लिए आते थे। और इस तस्वीर को देखिए, ये एक ट्रैम की तस्वीर है जो आज यूरोप और अमेरिका में चलती हैं, लेकिन कराची में 1975 से पहले सड़कों पर ट्राम्स चला करती थीं, लेकिन 1975 में इनको बंद कर दिया गया था। ये तारीखी तस्वीर है 1967 की, जब कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने एक गाड़ी बनाई थी। इसको पाकिस्तान में बनने वाली पहली गाड़ी भी कहा जाता है। इस गाड़ी को लोग जल्द ही भूल गए और इन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से बाहर स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। दोस्तों, ये तस्वीर 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के पोस्टर की है। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया में मुनक्किद हुआ था। और ये तस्वीर 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप के पोस्टर की है। ये हॉकी वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ था। और दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी तस्वीर है 1982 अक्टूबर की। ये लिस्ट कराची एयरपोर्ट पर लगी हुई थी। उस दौर में आने और जाने वाली फ्लाइट्स के बारे में ऐसे बताया जाता था। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी तारीखी तस्वीरें जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं इस वीडियो को एक और पार्ट भी बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।